हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एंड वेलकम बैक टू बाबाजी होम्स। एंड दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ ग्रीनवुड रेजिडेंसी के नाम से कॉम्प्लेक्स है, जो कि गेटेड है। एंड यहाँ पर है आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंट घर। एंड यहाँ पर काफी हद तक जो इन्वेंट्री है वो खत्म हो चुकी है, बट इक्का दुक्का इन्वेंट्री आप लोगों के लिए अभी अवेलेबल है। एंड 4 BHK अकोमोडेशन है आप लोगों के लिए आज की। 100 गज का 4 BHK इंडिपेंडेंट हाउस, जो की है 3 साइड ओपन। जी हाँ, 3 साइड ओपन ये घर है आप लोगों के लिए। और सबसे अच्छी USP इस घर की पता है क्या है? पार्क। वाओ, आइए मैं आपको पार्क दिखाती हूँ, सोसाइटी जो आपके घर के साथ आपको अटैच मिल रहा है। तो देखिए, कहाँ जाने की आपको जरूरत पड़ेगी, जो इतना प्यारा मेंटेन्ड पार्क हो यहाँ पर। तो यहीं पर ही जॉगिंग ट्रैक्स हैं, वॉकिंग ट्रैक्स हैं। सो दिल खोल के आप दिन रात यहाँ पर अपनी हेल्थ की केयर कर सकते हैं। तो ये है पार्क, ठीक है। इसके अलावा आप एक बैक साइड पे भी एक आपको ग्रीनरी दिख रही होगी इस घर के, जो कि है आपकी सेकंड साइड, जो कि इस घर की ओपन है। तो यहाँ पर भी पार्क है, ये कोई प्लॉट नहीं है। सो 2 साइड तो ये ओपन हुई, फ्रंट साइड तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी की साइड ओपन है। तो हुई ना 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी। नीम क्लिफ सेक्टर 125 मोहाली की लोकेशन है घर की। और प्राइस के अकॉर्डिंग घर बहुत ज्यादा एक अच्छी ऑप्शन आप लोगों के लिए। सो रोड्स देखिए, यहाँ पर पेवर्स डले हुए हैं कॉन्क्रीट के, जो कि परमानेंट है, काफी वाइड है, सो दैट पार्किंग का भी कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। और सामने एक सोसाइटी का लुक ले सकते हैं, टोटली रेजिडेंशियल है एंड गेटेड है। सो सिक्योरिटी भी पूरी आपको मिलेगी, जो कि इंडिपेंडेंट घरों में बहुत कम देखने को मिलती है। तो चलिए घर की बात करेंगे। सो लुक एट योर एलिवेशन गाइस, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी एलिवेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो देखिए, काफी अच्छे टाइल वर्क है एंड डिजाइनिंग देखिए कितनी प्यारी की है ग्लास के साथ। तो बैल्कनीज दी है, तो लाइटनिंग भी पूरी है। सो आइए चलिए, अब मैं बात करूंगी रैंप एरिया की। तो ये रैंप एरिया आपका, सो मुझे लगता है यहाँ पर एक गाड़ी आपकी आराम से लगने वाली है। तो पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ऊपर से कॉर्नर का घर है, सो साइड पे भी बहुत सारी पार्किंग आपके गेस्ट के लिए अवेलेबल। सो गेट टूगेदर्स हो रही है, पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे आपको मिलने वाला। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में एंट्रेंस पे आपको रैंप एरिया है, जो कि एंट्रेंस के वर्क के साथ अच्छी तरह बनाया गया है एंड गेटेड है। देखिए, आयरन का हैवी गेट यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आयरन का हैवी गेट आपको एंट्री पे मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल रही है, सो दैट आपकी जो 2 व्हीलर्स हो, बच्चों के साइकिल्स हो, आप इजिली पार्क कर सके। एंड फेंसिंग देखिए, पूरी सेफ्टी आपको फेंसिंग पे मिल रही है, बिकॉज आयरन का हैवी वर्क यहाँ पर आपको मिल रहा है। सो इसके अलावा छोटी कार मुझे लगता है आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आराम से लगेगी आपकी छोटी कार इस पार्किंग में। तो 2 पार्किंग तो ये आपको आराम से मिलनी है, अदरवाइज तो कॉर्नर हाउस है, पार्किंग ही गाइस। सो एंट्रेंस की बात करेंगे, देखिए एंट्री है आपकी, यहाँ पर डोर है, आइए अंदर आइए। तो सबसे पहले डोर की बात करूंगी, देखिए काफी अच्छी हाइट में डिजाइनर गेट डोर आपको मिल रहा है विद डिजिटल लॉक। आइए, वेलकम टू द हाउस गाइस। तो यहाँ पर लिविंग एरिया आता है गाइज आप लोगों का, जो कि काफी अच्छी स्पेस यहाँ पर आपको मिल रही है, साथ ही साथ काफी अच्छी डिजाइनिंग मिल रही है, जो कि है POP के वर्क के साथ डिजाइन। एंड रूफ पे देखिए कितना प्यारा आपको रूफ वर्क मिलेगा यहाँ पर, शैंडेलियर है प्यारा सा एंड स्ट्रिप लाइट्स LED लाइट्स का वर्क है। सबसे बड़ी बात देखिए, कितनी बड़ी विंडो यहाँ पर आपको मिल रही है, काफी बड़ी विंडो है, जो कि फेंसिंग हुई पड़ी है गाइज यहाँ पे, कर्टन है अभी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो विजिट कीजिए तो पक्का अंदाजा आपको लग जाएगा। इसके अलावा किचन देखिए, काफी स्पेशियस किचन है। ऊपर पार्टीशन देखिए, वुडन के साथ यहाँ पर पार्टीशन की गई है किचन की, सो काफी अच्छी पार्टीशन यहाँ पर आपको मिल रही है वुडन के साथ, ग्लास का वर्क है। सो एल शेप में किचन है, काउंटर टॉप भी वाइड है, फुल्ली मॉड्यूलर किचन आपको मिल रही है। देखिए कैबिनेट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, वॉल कंपार्टमेंट्स है यहाँ पर आप लोगों के लिए विद ऑल द स्टोरेज। एंड यहाँ पर विंडो है, ये आपका सारा ब्रांड का आपका वॉशिंग एरिया आ गया। फिटिंग्स पूरी है किचन में, तो रेफ्रिजरेटर के लिए डेजिग्नेटेड स्पेस है, तो यहाँ पर आप उसको प्लेस कर सकते हैं इजीली। सो चलिए बेडरूम दिखाती हूँ। 2 बेडरूम्स आपको ग्राउंड लेवल पे मिलेंगे, आइए। ब्यूटीफुल बेडरूम नंबर 1 गाइस, बिकॉज लॉट ऑफ स्पेस आप देख सकते हैं एंड डिजाइनिंग भी काफी प्यारी है, वुडन के साथ डिजाइंड है एंड ऑल द POP एंड वुडन वर्क विद ऑल द लाइट्स एंड डेकोर। एंड ऊपर रूफ पे भी वर्क आप देख सकते हैं घर में। तो दिस इज अलोन अ बेडरूम, और इसमें भी आप डिजाइनिंग आप खुद ही देख सकते हैं, काफी अच्छी की गई है। ये LED पैनल है, ड्रेसिंग एरिया है, विंडो है एंड पीछे देखिए कबर्ड्स है गाइस, जो कि रूफ टॉप तक आपको दिए हैं हमने, सो दैट आप स्टोरेज आप
कर सके आप अच्छे से। एंड अटैच वॉशरूम यहाँ पर है विद ऑल द ब्रांडेड सैनिटरी वेयर गाइस। सारा ब्रांड आपको यहाँ पर मिल रहा है। और टायर देखिए रूफ टॉप तक आपको यहाँ पर टाइल वर्क दिखाई देगा। काफी स्पेशियस वॉशरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड इसी के साथ अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम में गाइस आइए। सो अगेन सेकेंड बेडरूम में भी बहुत अच्छी स्पेस है, एंट्रेंस वाइड है एंड ब्यूटीफुल सा यहाँ पर वर्क आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर वॉल पे पीओपी का वर्क है, वुडन के साथ लाइटनिंग का वर्क है, आप खुद ही देख सकते हैं। वहां पे वार्डरोब्स आप देख सकते हैं उस साइड, तो काफी अच्छे आपको वार्डरोब्स मिल रहे हैं रूफ टॉप पे। एंड यहाँ पर देखिए एलईडी पैनल आपको मिल रहा है काफी अच्छा। एंड यहाँ पर देखिए हमने एक स्पेस बनाई है आप लोगों के लिए, सो दैट आप कुछ स्टडीज एंड ऑल यहाँ पर आप इजिली जो लैपटॉप में कुछ काम होते हैं हमारे आप कर सके। यहाँ पर स्टोरेज भी आपको दी है। एंड अटैच वॉशरूम अगेन यहाँ पर है आपका, देखिए विद ऑल द ब्रांडेड फिटिंग्स एंड डिजाइनिंग। और स्पेस भी काफी अच्छे, सिमिलर स्पेस है फर्स्ट बेडरूम के जैसे ही। एंड यहाँ पर है गाइज यूटिलिटी स्पेस आपके लिए। तो देखिए ये लाइटनिंग जो अभी आप फील कर रहे हैं ये आपकी हमेशा के लिए रहने वाली, बिकॉज ये थ्री साइड ओपन है, पीछे ओपन रहने वाला है, पार्क है आप लोगों के लिए, तो ये आपका हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगी लाइटनिंग गाइस। यहाँ पर बैक साइड पे कोई रेजिडेंशियल कुछ नहीं, यहाँ पे कमर्शियल कुछ नहीं बनने वाला, तो ओपननेस पूरी आपको मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों, और उसका लेआउट में आपको आइए दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। सो देखिए गाइस फर्स्ट फ्लोर पे हम इस टाइम आए हैं। अगेन देखिए काफी अच्छी लिविंग स्पेस आपको यहाँ पर मिल रही है। और वॉलपेपर देखिए काफी अच्छा यहाँ पर डिजाइनर वॉलपेपर आपको मिल रहा है। एंड यहाँ पर देखिए एक्सेस है आपके फ्रंट बालकनी का। आइए बालकनी दिखाती हूँ मैं आपको। तो काफी स्पेशियस बालकनी आपको यहाँ पे मिल रही है। और डिजाइनिंग देखिए पिलर वर्क, एक वो शाही सी लुक होती है ना वैसी कुछ फीलिंग यहाँ पे आ रही है। एंड पूरी सेफ्टी है बिकॉज रेलिंग के साथ अच्छा वर्क किया गया है, ग्लास लगा है, तो छोटे बच्चे भी हैं आपके घर में तो कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली। आइए अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन। तो कंसेप्ट तो सेम ही है, देखिए जो ग्राउंड फ्लोर का था ये किचन है आपकी। तो विद ऑल द नेसेसरी फिटिंग्स एंड स्टोरेज। एंड अब चलते हैं थर्ड बेडरूम में आएंगे। देखिए बेडरूम की डिसेंट स्पेसेस है चारों ही, मुझे लगता है जब तक जो अभी तक हमने देखे हैं थर्ड बेडरूम में डिसेंट स्पेसेस 100 गज में काफी अच्छे लग रहे हैं। देखिए वॉलपेपर यहाँ पर लगाया है हमने एंड कवर्स यहाँ पर हैं आप लोगों के लिए। एक बार आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, काफी अच्छा वर्क है कवर्स एंड स्टोरेज ही स्टोरेज राइट। तो यहाँ पर है एलईडी पैनल के लिए स्पेस आपके लिए, और उधर विंडो है एंड साथ में ही अटैच वॉशरूम है गाइस। एंड चलिए फोर्थ बेडरूम भी देख लेते हैं। देखिए स्पेस इसकी भी अच्छी है, वॉलपेपर लगा हुआ है रूम में ठीक है, और कबर्ड्स देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। एंड इस साइड है एलईडी पैनल आप लोगों के लिए एंड यहाँ पर है अटैच वॉशरूम गाइस। तो यहाँ से आप एक लुक जरूर ले सकते हैं। ये जो बैक पार्क मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वेरी स्टार्टिंग में दिखाया था, तो दिस इज योर सेकेंड ओपन साइड फ्रॉम दिस हाउस गाइस। तो ये है पार्क एंड और ये जो घर है ये ममती के साथ है। तो चलिए सेकंड फ्लोर पे मैं आपको ममती दिखाती हूँ, फिर हम देखेंगे टेरेस गाइस। आइए तो ये देखिए आपकी ममती है इस घर की। एंड इसके अलावा यहाँ पर है आप इस टाइम टेरेस। सो गाइस ये है आपका काफी वाइड सा टेरेस। देखिए यहाँ पर पीछे जिंदल ब्रांड के वाटर टैंक इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, 1000 लीटर का ईच है। एंड ये था आज का इस वीडियो का टूर इस घर का, 100 गज का, 4 BHK एंड काफी अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। बिकॉज मोस्टली वीडियो में हम सनी इनक्लेव के घर आपको दिखाते हैं जो कि एक ही कनेक्टिविटी अच्छी खासी आपको देता है। बिकॉज लोकेशन सनी इनक्लेव सेक्टर 125 की जो है ना वो टोटली रेजिडेंशियल एरिया है गाइज, जहां पर आपको हर चीज आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है, चाहे वो गुरुद्वारा साहिब हो, मार्केट हो, मंदिर हो, स्कूल हो, कुछ भी हो। तो आज की वही लोकेशन आप लोगों के लिए। सो घर अगर अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग है, तो विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बाबा जी होम्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन अप्रोच अस गाइस। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ऐसे सुंदर सुंदर घर देखने के लिए। तो मैं इजाजत चाहूंगी आपसे, नमस्कार गाइस।